नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी। और ऑडियो गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर में ना दो मॉडल यार ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों मॉडल्स पे कि यार हम कौन से वाला ले। दोनों ही मॉडल जो हैं बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो अगर बात करते हैं इंडिया की मार्केट की, तो ये दोनों मॉडल जो हैं सबसे ज्यादा सेल होने वाले मॉडल हैं। अगर मैं सिर्फ अपनी बात ही करता हूं तो मैंने बहुत सी चीजें बेची हैं, मगर जितनी सेल इन दो मॉडल्स की है ये सेल मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। जितने पीस यहां पर बिक रहे हैं, जिस हिसाब से बिक रहे हैं, बट यहां पर कंफ्यूजन क्या आ जाती है कि इनमें से हम लें कौन सा। दोनों की जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट सेम है, स्पेसिफिकेशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ आ जाता है कि यार किसकी वॉइस क्लैरिटी जो है या क्वालिटी जो है वो ज़्यादा बेटर है। इसको लेके बहुत सारी कंफ्यूजन थी अभी तक की इस वीडियो से पहले, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपकी वो वाली कंफ्यूजन को भी दूर करने जा रहा हूँ। आज हम देखेंगे इन दोनों को टेस्ट कर, जिससे कि आप खुद डिसाइड कर सके कि आपके टेस्ट के हिसाब से आपके लिए इन दोनों में से कौन से स्पीकर्स ज़्यादा बढ़िया हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते थे इसलिए आज मैं ये वाली वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ये जो दो मॉडल हैं पहले देख लेते हैं ये कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो दो मॉडल। एक है पोल्क ऑडियो का ब्लैकस्टोन TL1600 और एक है इलेक का सिनेमा 5। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तगड़े वाला कंपटीशन चल रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आप एक सही चुनाव कर सकें अपने लिए बेस्ट होम थिएटर स्पीकर्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मगर यहां पर आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, इन दोनों की ही कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी पहले डाल चुका हूं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिटेल के लिए वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसकी थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, जोनसी काफी ज्यादा जरूरी होती है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम ज्यादा प्रैक्टिकल ही रखेंगे, ज्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे यहां पर, क्योंकि बाकी की थ्योरी तो आपको कई जगह पर मिल जाएगी बट प्रैक्टिकल कंपैरिजन जो है वो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, दोनों ही पैकेज के अंदर हमें मिलते हैं 4 सैटेलाइट स्पीकर, एक हमें मिलता है डेडिकेटेड सेंटर स्पीकर और एक हमें मिलता है 8 इंचेस का एक्टिव सबवूफर। तो पहले एक बार सैटेलाइट्स की बात हम यहां पर करेंगे, साथ में हम उसकी लुक में भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहां पर बात करते हैं इलेक सिनेमा 5 की, तो कुछ इस तरीके का स्पीकर आपको मिलता है। इंक्लोजर की अगर बात करते हैं तो इंक्लोजर सील्ड कैबिनेट में दिया गया है, प्लास्टिक के अंदर इसे बनाया गया है और फ्रंट के अंदर हमें मिल जाती है एक मेटल की ग्रिल। बैक साइड पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें माउंट करने के लिए दो हॉल मिल जाते हैं। इसके जो माउंट ब्रैकेट्स हैं कंपनी साथ में ही देती है और यहाँ हमें मिलते हैं पुश टर्मिनल्स इसकी वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके ड्राइवर्स की, तो 1.5 इंचेस का हमें इसमें ट्विटर मिलता है जो कि नियोडियम मैग्नेट में बनाया गया है। सेकेंडली हमें मिल जाता है एक 3 इंचेस का मिड बास ड्राइवर। तो अगर हम बात करते हैं पोल्क ऑडियो के TL1600 की, तो कुछ इस तरीके का स्पीकर हमें मिलता है। ग्लॉसी फिनिश के अंदर इसे बनाया गया है, पोटेड कैबिनेट है, पीछे की तरफ वेंट हॉल मिल जाता है, फ्रंट के अंदर हमें एक क्लॉथ ग्रिल मिल जाती है जो कि प्लास्टिक के फ्रेम में बनाई गई है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें मिल जाता है इसे माउंट करने के लिए एक हॉल। बैक साइड पे हमें मिल जाते हैं बाइंडिंग पोस्ट जो कि एक 5-वे बनाना बाइंडिंग पोस्ट है। आप चाहें तो यहां पर वायर डायरेक्टली लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप यहां पर बनाना प्रेस को भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर यहां पर अभी बात करते हैं इसके ड्राइवर्स की, तो यहां हमें 1.5 इंचेस का ट्विटर मिलता है और एक हमें मिलता है 2.5 इंचेस का मिड बास ड्राइवर। इलेक्स सिनेमा के अंदर हमें ड्राइवर साइज मिलता है 3 इंचेस का, बट इसमें हमें मिलता है 0.25 इंचेस का एक ड्राइवर और ट्विटर का साइज जो है वो सेम है दोनों में। पावर हैंडलिंग की बात करते हैं तो 100 वॉट्स तक की इसकी पावर हैंडलिंग है। और अगर बात करते हैं यहां पर इंपीडेंस की, तो ये जो है 8 ओम्स की इंपीडेंस के साथ हमें आते हैं। इलेक्स सिनेमा 5 के अंदर हमें 6 ओम की इंपीडेंस मिलती है, बट वहां पर मेंशन किया गया होता है कि आप उसे 6 और 8 ओम्स पर भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर यहां पर हम बात करते हैं इसके सबवूफर्स की, तो दोनों के अंदर हमें एक 8 इंचेस का लॉन्ग थ्रो ड्राइवर मिलता है। कैबिनेट की अगर बात करते हैं तो दोनों में ही हमें पोर्टेड कैबिनेट दी गई है। इलेक्स सिनेमा 5 के अंदर जो पोर्ट है वो दिया गया है फ्रंट के अंदर, बट पोल्क ऑडियो के अंदर जो पोर्ट है वो हमें मिलता है नीचे की तरफ। साथ ही साथ जो ड्राइवर है पोल्क ऑडियो के अंदर वो भी हमें नीचे ही मिलता है एंड इलेक्स सिनेमा 5 में भी जो ड्राइवर यूज हुआ है वो भी नीचे की तरफ ही दिया गया है। और अगर यहां बात करते हैं इनके एम्पलीफायर की, तो क्लास एबी एम्पलीफायर मिलता है हमें इलेक्स सिनेमा 5 के अंदर और क्लास डी एम्पलीफायर हमें मिलता है पोल्क ऑडियो TL1600 के अंदर। दोनों की पावर रेटिंग जो सी है ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए एक बार इन्हें चलाकर देखेंगे। पहले हम देखते हैं टेस्ट करके स्पीकर्स को कि दोनों में क्या फर्क हमें मिलता है आवाज के अंदर। दोनों को हम एक ही एम्पलीफायर से कनेक्ट करेंगे और एक ही ट्रैक चलाएंगे और माइक को भी मैं सेम डिस्टेंस पे रखूंगा और वॉल्यूम को भी मैं सेम रखूंगा, जिससे कि हमें एक्चुअल इनकी लाउडनेस का
का भी पता लग सके और सेकेंडली इनकी जो क्वालिटी है उसका भी पता लग सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने सेटअप कर दिया है, एक स्पीकर यहाँ पर इलेक का है और एक स्पीकर है पोल्क ऑडियो का। इसी तरह से एक चैनल पर यहाँ पर हमने एक एक स्पीकर दोनों का लगा दिया है। और जो एवीआर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो है डेनन का X2700 और यहाँ पर मैंने मॉन्स्टर का स्विचर यूज किया है स्पीकर्स को चेंज करने के लिए, ताकि हमें वॉल्यूम से छेड़ाखानी ना करनी पड़े और एक ही चैनल पर दोनों स्पीकर हमारे चल सके। तो हम एक एक कर इसकी मदद से देख सकते हैं कि हमने कौन सा स्पीकर प्ले करना है। तो यहाँ पर आप बैक साइड पर देखेंगे मैंने इस तरीके से सारी वायरिंग यहाँ पर कर दी है। तो चलिए अभी देखते हैं कि हमें इसमें कैसा आउटपुट मिलता है। Preparing and initiating bass test. Bass test complete. Preparing and initiating treble test. Treble test complete. Preparing and initiating vocals test. Steps off a train, walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's here since you've been there. Steps off a train, walking down your street again. Vocals test complete. Didn't mention you.
पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन दोनों ब्रांड में से मैं किसी भी ब्रांड को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों ही बेचता हूँ, जो मुझसे जो मांगता है मैं उसे दे देता हूँ। बट ये एक कंपैरिजन वीडियो थी आप लोगों के लिए कि आपको पता लग सके कि आप क्या लेने जा रहे हैं। तो आपको इसे सुनकर कैसा लगा, क्या आपको पता लगता है, क्या आपको महसूस होता है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है, या जो भी आपको लगा है इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर कि कौन सा ज़्यादा बढ़िया है, तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी पता लग जाए कि इंडियन जनता आखिर चाहती क्या है। अगर यहाँ पर बात करते हैं हम मेरे ओपिनियन की, तो मेरे हिसाब से जो इलेक्स सिनेमा 5 है उसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है और लो फ्रिक्वेंसी का जो इफेक्ट है वो कम है। अगर आपको एक क्रिस्पी साउंड ज़्यादा बढ़िया लगता है तो मेरे ख्याल से इलेक्स जोन से हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हैं। अगर लाउडनेस की बात करते हैं तो पॉल्को ऑडियो की जो लाउडनेस है वो इलेक्स वालों से ज़्यादा है, और जो म्यूज़िक चल रहा था जब हमने म्यूज़िक प्ले किया वहाँ पर, तो उस कंडीशन के अंदर में जो पॉल्को ऑडियो वाले स्पीकर्स थे हमारे, उसमें लो फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भारीपन हमें उसमें मिल रहा था। और इलेक्स सिनेमा 5 के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर क्रिस्पनेस तो काफ़ी मिल जाती है, बट जो भारीपन है वो अकॉर्डिंग टू पॉल्को ऑडियो के स्पीकर्स अगर हम देखते हैं तो उनसे कम है वो। तो ये फ़र्क इसके अंदर मुझे लगा है। बाकी आपको यहाँ पर क्या फ़र्क लगा है ये आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट कर। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं कुछ अपडेट डालता रहता हूं, वीडियोस के आने की जो जानकारी होती है वो भी मैं वहां पर डाल देता हूं, कुछ यूज प्रोडक्ट्स हमारे पास जो आते हैं वो भी मैं वहां पर डाल देता हूं, और बाकी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनसे मैं वहां पर अपडेट करता रहता हूं। तो आई थिंक आप करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा उसमें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दोनों के ही लिंक मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, अपने पड़ोसन के साथ में, अपनी जिसके साथ मर्जी करना मगर कर देना बस। चलते हैं, फिर से मिलूंगा आपसे नई वीडियो के अंदर। जाते जाते हमेशा की तरह आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फिर से मिलता हूं आपको, अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।